नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानिशार ब्लागर में। दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं श्रावस्ती ज़िले के लक्ष्मण नगर से किलोला। ये आप देख रहे हैं, अभी हम लक्ष्मण नगर में हैं और लक्ष्मण नगर से हमने किलोला वाली रोड पकड़ ली है। ये आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मण नगर की मार्केट है और जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं गए हैं उन्हें भी वो देख सकते हैं। और ये अच्छी बाज़ार है और यहाँ से हम निकल रहे हैं लक्ष्मण नगर से। तो लक्ष्मण नगर से किलोला जाने के लिए जो ये रास्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और ये स्टेट हाईवे भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रास्ता मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो भी लोग भिनगा से और गोंडा जाना चाहते हैं या बलरामपुर जाना चाहते हैं तो बहराइच ना जाकर इसी रास्ते से किलोला और किलोला से खुटेना होकर गोंडा और उसके आगे तक जाते हैं। और लक्ष्मण नगर से किलोला बाज़ार लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये बताना चाहूँगा कि ये जो हाईवे देख रहे हैं आप, स्टेट हाईवे है और सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, सुनसान रास्ता रहता है और ये रास्ता आपका मन मोह लेगा। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, कोई ट्रैफिक नहीं, आप कैसे भी गाड़ी चला सकते हैं और बड़ा ही अच्छा सुहाना मौसम रहता है। इसके जो व्यू हैं बहुत अच्छे हैं। आप अगर ये रास्ते से गए हैं तो दोबारा जाना चाहेंगे और जो नहीं गया है एक बार चला जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरीके से दूसरे हाईवे पे बहुत शोरगुल होता है, बहुत गाड़ियां निकलती हैं और इस तरीके की कोई दिक्कत इस रोड पे आपको नहीं मिलेगी। और इस रोड की कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले किलोला से और लक्ष्मण नगर पहुँचने तक कोई भी पेट्रोल टंकी नहीं थी रास्ते में, लेकिन ये अच्छी बात है कि दो पेट्रोल टंकी यहाँ बन रही हैं। एक पेट्रोल टंकी लक्ष्मण नगर से जब आप 1 किलोमीटर निकलेंगे किलोला की तरफ तब दाहिने हाथ पे पड़े और दूसरी पेट्रोल टंकी 7-8 किलोमीटर चलने के बाद यानी चेतिया मुरार मार्केट से 1 किलोमीटर आगे और लंगड़ी गुड़ चौराहा से 1 किलोमीटर इधर पहले ही पड़ जाएगी। और ये देख सकते हैं आप, ये गैस एजेंसी बनी हुई है और कितना अच्छा रास्ता है, कितना सुहाना सफ़र है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये कोई इंटर कॉलेज है और फिर आप आगे निकलते हैं, ये कितना सुंदर आप देख सकते हैं। कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई प्रदूषण नहीं है, किसी तरीके का शोरगुल नहीं है, बस ऑफ हैं, रफ्तार है। और ये चेतिया मार्केट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको, ये छोटी मोटी मार्केट है जो सड़क पे ही है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है श्रावस्ती ज़िले की, ये छोटी सी बाज़ार चेतिया मुरार जिसको कहते हैं और स्थानीय लोग इसे कॉलोनी भी कहते हैं। और इसके बाद आप जब आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं तो फिर यहाँ पहुँचते हैं, ये चेतिया मुरार के इस पार ये देखिए नहर है, बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में है। यहाँ से 8 किलोमीटर किलोला है और 8 ही किलोमीटर लक्ष्मण नगर। और ये बहुत अच्छा दृश्य यहाँ का है और ये स्थानीय लोग आ जा रहे हैं। और यहाँ बगल में बाग है, बहुत लंबा चौड़ा बाग है। ये देखिए, ये दूसरी वाली पेट्रोल टंकी बन रही है और जब इस रास्ते से आप निकलते हैं तो फिर ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी नज़र में जरूर कह देगी, ये बहुत सुंदर घर लगता है और अकेले में बना है। ये देखिए, और फिर आप पहुँच जाते हैं लंबी गुलर। अब यहाँ से लंबी गुलर से 5 किलोमीटर किलोला मार्केट रह गई है और फिर आप आगे निकलते हैं। और ये देखिए, और इसके बाद आप अब यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर रह गया है किलोला।
और ये देखिए 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पहले ये धान की एक मिल है। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल हम नज़दीक पहुंच गए हैं, सड़क बहुत अच्छी साफ सुथरी। और ये देखिए कितनी सुंदर सड़क है। और धीरे धीरे हमारी यात्रा ख़त्म होती है और हम पहुंच जाते हैं गिलौला के तिलकपुर मोड़, और इसको तिलकपुर मोड़ कहा जाता है। यहाँ से आप अगर बाएं मुड़ लेंगे, ये यहाँ हम मान लेते हैं कि हम गिलौला पहुँच गए, इधर दाहिने हाथ पर बहराइच है और ये हम चल दिए, ये है गिलौला बाज़ार। यहाँ से शुरू हो जाता है जो कि बहुत बड़ा बाज़ार है, लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क पे बसा हुआ है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिस पे आपको श्रावस्ती और बहराइच की छोटी से छोटी जगहों की जानकारी मिलती है। अगली मुलाकात अगले वीडियो।